नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन व थानेसर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके प्रवीण चौधरी आज से चुनावी रण की शुरुआत करेंगे। हालांकि जनवरी 2018 में प्रवीण चौधरी ज्योतिसर से चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रवीण चौधरी लगातार लोगों के संपर्क में हैं, वे कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। अब मेन एजेंडा, मेन मुद्दा थानेसर हल्के के विकास के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और कम पैसे में ज़्यादा काम करना किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने प्रभारियों की, सभी साथियों की मीटिंग ली थी और हल्के के प्रभारी इकट्ठे हुए थे। उसके अंदर निर्णय लिया गया, जो हम लोगों ने जनरल मीटिंग के अंदर भी लिया गया था कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो एक घोषणा पत्र के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि हर पार्टी कोई ना कोई अपना घोषणा पत्र निकालती है, एजेंडा देती है। घोषणा पत्र हम लोग अपने आप तैयार नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक पत्र तैयार किया है। आज इस पत्र के अंदर जनता से अपील की है कि आप अपना सुझाव दें। सुझाव के लिए हमारे साथी लोग और हम डोर टू डोर पूरे हलके को करेंगे, तो उसके अंदर हम जनता से सुझाव लेंगे कि आप किस प्रकार से काम चाहते हो। कई बार एक व्यक्ति की कोई अकेली सड़क की समस्या ही नहीं है, एक व्यक्ति की कोई अलग समस्या हो सकती है। हम लोग जानेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, हमें किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करेंगे, उसमें घोषणा पत्र में बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लोग अस्वस्थ हैं, कितने व्यक्ति बीमार लोग हैं, हम बीमारी के बारे में कौन सी बीमारी हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, हम उस बीमारी का रोकथाम के लिए और सरकार से किसी भी तरीके से उस समस्या का समाधान के लिए हम अपील भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम एडवांस में जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की हकीकत में समस्याएं क्या है। क्षेत्र से दर्शन कैट की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।